नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के 10 PM के जीके शो में। दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है इम्पोर्टेंट कमिटीज़ का। पिछले एक साल में जो जो कमिटीज़ आपकी बनी है, चाहे बैंक की हो, चाहे सरकार की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, उन कमिटीज़ को लेकर आपके सामने आए हैं। तो आपके सामने पहला सवाल दिया हुआ है, निम्न में से किस समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज़ रिव्यूड द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका उत्तर आपको देना है। इसका आंसर दोस्तों जो है वो है बिमल जलान। अगर मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझाऊं, दोस्तों सरकार और आरबीआई में चीज़ें खराब हुई थी, बिकॉज आरबीआई का कहना था कि जो सरप्लस पैसा सरकार का आरबीआई के पास है उसे फ्यूचर को ना देकर समय समय पर दिया जाए, उसको एक साथ ना दिया जाए, जिसको लेकर जो उर्जित पटेल साहब थे जो कि आरबीआई के उस समय गवर्नर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया था एंड फिर शक्तिकांता दास साहब का आरबीआई गवर्नर बने थे। उसी दौरान एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए बिमल जलान को, जो इससे पहले भी कई बड़ी बड़ी कमेटीज़ के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने ही इस कमेटी ने ही रिकमेंड किया था कि 1.76 लाख करोड़ का जो एक सरप्लस है वो आरबीआई सरकार को देगी। तो उस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो हैं बिमल जलान। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की है, इस समिति के प्रमुख कौन है? इस समिति के प्रमुख दोस्तों कौन है, मैं आपको हिंट देता हूँ, ये इन्फोसिस के को फाउंडर रह चुके हैं और इनका ही ब्रेन चाइल्ड है आपका आधार कार्ड। ये उत्तर जो आपके सामने दोस्तों है वो है नंदन नीलेकणी, ये यहाँ पर सही जवाब है। अगर हम इस खबर की बात करें, इस कमेटी की बात करें, तो आपने सुना होगा कि NEFT जो है वो अब 24 घंटे सातों दिन चल रहा है, 24/7 चलेगा। सिमिलरली कई बैंकों ने अब उस पर चार्ज ना मना कर दिया है। ये भी कहा गया कि जो RTGS है वो भी हो सकता है आगे चलकर आप 24/7 हो जाए। तो ये जो सारी रिकमेंडेशंस हैं ये किसने दी थी, ये इसी कमेटी ने दोस्तों दी थी सरकार को, बैंक को, RBI को, कि आप ऐसा करें और इस पे काम दोस्तों धीरे धीरे आपका आगे बढ़ा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया होगा तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को शेयर करें। लगातार पिछले 3 हफ्तों से हम शो को ला रहे हैं 10 बजे मंडे टू सैटरडे और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको शो पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इनमें से कर मुकदमेबाजी को कम करने के लिए इनमें से समिति के प्रमुख कौन है? अगर मैं आपका आपको दोस्तों बैकग्राउंड तब तक आप इसका आंसर कीजिएगा। दोस्तों GST की बात करें या फिर रिफंड की बात करें या फिर इनकम टैक्स की बात करें, कई ऐसे मामले हैं जो फंसे हुए हैं, जिस पर जो कोर्ट्स हैं वो बिजी हैं इन मामलों को रिजॉल्व करने में। तो एक कमेटी बनी जिसने कि डिसाइड किया कि कैसे हम, उसने रिकमेंड किया सरकार को कि हम कैसे जो कर को लेकर इतना ज़्यादा लिटिगेशन है, मुकदमेबाजी है, इसको हम कैसे कम से कम करें और बीच का रास्ता कैसे निकालें। तो इसका जो प्रमुख थे इस कमेटी के, उनका नाम है संजीव शर्मा साहब। परिवर्तनकारी गतिशीलता पैनल की प्रमुख कौन है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द कमिटी ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी पैनल? इसका उत्तर दोस्तों जो है वो है अमिताभ कांत, नीति आयोग के ये वाइस चेयरमैन हैं, नीति आयोग के ये एक बहुत खास मेंबर हैं। और दोस्तों ये जो आपका एक समिति है, समिति का मेन मकसद है कि भारत में आगे चलकर जो भारतीय आपकी इकॉनमी ट्रांसफॉर्म हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, उसमें कैसे हम उसको और बेहतर कर पाएँ। उदाहरण के तौर पर अगर हम नॉर्मल बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ें। अगर हम ऑफलाइन काम की जगह ऑनलाइन काम करें, उसको आगे बढ़ें। अगर सरकार को आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है या इंडिया को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है, कैसे बनाएं, तो उस सबको लेकर ये समिति दोस्तों आपकी बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। आपको बताना है अमिताभ कांत का इस समय सरकार में या नीति आयोग में क्या स्थान है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों एंड क्विकली आंसर कीजिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा BCCI में क्रिकेट प्रशासन के विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मीडिएटर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन इन BCCI बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इसका उत्तर दोस्तों जो है वो है PS नरसिम्हा। जो भी ऐसे मामले हैं जो BCCI के हैं और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो एक गठजोड़ है, जो एक उनके बीच इशू चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है BCCI को लेकर, उसके लिए PS नरसिम्हा को दोस्तों एक मध्यस्थ या एक मीडिएटर बनाया गया है। निम्न में से किस समिति ने न्यूनतम मजदूरी ₹375 करने की सिफारिश की थी? जो एक भाड़ा मिलता है, एक वेज मिलता है मजदूर को, जिसको बढ़ाने की बात कही गई, तो उस समिति के इनमें से अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इस बात को सुझाव दिया, रिकमेंड किया कि न्यूनतम से न्यूनतम जो मजदूरी होनी चाहिए वो ₹375 पर दिन होनी चाहिए? इसका उत्तर दोस्तों जो है वो है अनूप सतपति।
डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव इनमें से क्या हैं? क्या वो आयुष्मान भारत समिति में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने की समिति के अध्यक्ष हैं? क्या वो अधिवक्ताओं के लिए व्यापक बीमा योजना के अध्यक्ष हैं? क्या उनका 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 जो समिति है वो आदिवासी के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए समीक्षा करें, या फिर वो जो पीएनबी का फूड अकाउंट इश्यू उसको लेकर वो हेड हैं? उत्तर दोस्तों जो है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम फॉर एडवोकेट्स, उनके लिए ये आपके प्रमुख बनाए गए हैं। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, पर हाँ अगर लेवल पेपर का बहुत टफ आया तो दोस्तों वहाँ पर इस पर आपको डाउट हो सकता है। विवेक पंडित इनमें से किस समिति के संबंधित हैं आपको बताना है। दोस्तों समिति दोस्तों जो है वो है महाराष्ट्र राज्य में आदिवासी के लिए कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करें। बहुत टिपिकल सवाल है ये, सवाल मैंने जानबूझकर आपको टफ दिया है, बिकॉज आपको लगना चाहिए कि सवाल कुछ भी कहीं भी आ सकते हैं। तो ये एक राज्य योजना के तहत एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष हैं विवेक पंडित, जो आदिवासी के जो मामले हैं उनके लिए जो योजनाएँ हैं वेलफेयर की उनको देख रहे हैं। आपको बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि इस समय केंद्रीय आदिवासी या जनजातीय मंत्री कौन है, क्योंकि अभी हाल ही में लेह में एक खबर आई थी कि लेह को अब एक ट्राइबल एरिया घोषित करने की बात है, जिसके लिए जो एनसीएसटी है उसने दोस्तों एक कदम उठाया है। तो आपको बताना है कौन है भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति इनमें से किससे संबंधित है? लोकपाल की खोज के लिए, फार्मर की जो 2022 तक इनकम डबल करनी है उसके लिए, ईपीएफओ जो भविष्य निधि संस्थान है उसको फंक्शनिंग के लिए, या फिर जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उसके लिए? इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों है वो है द लोकपाल सर्च कमेटी। मेरे को आप बताओ दोस्त कि अभी फिलहाल टेंटेटिव तौर पर लोकपाल किसे चुना गया है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कौन है जिन्हें टेंटेटिव तौर पर भारत का लोकपाल चुना गया है। समिति के अध्यक्ष मान चल गए आपको, पर आपको बताना है कौन है अब आने वाले लोकपाल। बीवीआर मोहन रेड्डी कमेटी का संबंध किससे है? दोस्तों इनका संबंध जो है वो है ऑप्शन बी से, मतलब 2020 तक नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थापना बंद करना। बहुत सही कदम है, बीइंग एन इंजीनियर मायसेल्फ मुझे पता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्या अवस्था है, क्या कंडीशन है। थोक के भाव में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते जा रहे हैं, और जो कि एक सोचनीय सोच की और समीक्षा की बात है, जाहिर सी बात है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट कि भाई कैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज को ज़्यादा बने से रोकें, बिकॉज अभी जो इंजीनियर्स हैं उनको जॉब नहीं लग रही, और कोई बैंकिंग में जा रहा है, कोई एसएससी में जा रहा है, कोई टीचिंग में जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई जा ही रहा है, पर जा जरूर है, इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं पर जा रहे हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग से याद बात याद आई, 15 सितंबर दोस्तों आपका मनाया जाता है इंजीनियर्स डे, ठीक है? और इस दिन आपको बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में थीम क्या थी इंजीनियर्स डे की, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। सिमिलरली एक योजना, एक पैनल, एक कमेटी बनी है जो कि डिसाइड करने वाली है कि अगर इंजीनियरिंग प्रोफेशन को प्रैक्टिकल या वास्तविक जिंदगी में लगाना है, जैसे कि डॉक्टरी होती है या लॉयर होते हैं, डॉक्टर के भी चाहिए लाइसेंस, लॉयर के भी चाहिए लाइसेंस, वैसे ही क्यों ना इंजीनियर्स के लिए भी लाइसेंस के लिए अलग से एग्जाम करवाया जाए। तो वो भी एक पहले बहुत अच्छा कदम होगा कि जो फेक इंजीनियर्स हैं वो भाग जाएंगे, और जो सही में इंजीनियरिंग की है जिन्होंने ढंग से, जो इंजीनियरिंग को इंप्लीमेंट करना जानते हैं, उनको ही लाइसेंस मिलेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि आगे चल कर हमारे पूछते हैं इंजीनियरिंग ना करें, बहुत सारे और आयाम हैं वो करें। शंकर डे कमेटी इनमें से किस संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर जो है वो है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, अनुसंधान सलाहकार समिति है। जो भी आपके भारत में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे CSIR हो, चाहे डिफरेंट शोध संस्थान हो, उनके लिए ये कमेटी को बनाया गया था। राज्यों द्वारा GST राजस्व की कमी पर समिति के इनमें से प्रमुख हाल ही में किसे बनाया गया है? कौन है जिन्हें GST को लेकर जो एक समिति है उसके प्रमुख बनाया गया है? शिवम कुमार, राहुल मोदी, करण मोदी, या फिर सुशील मोदी? उत्तर है दोस्तों सुशील मोदी साहब, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, और इनको ही दोस्तों इस GST रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल है उसके लिए समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। नितेल पटेल समिति का इनमें से किससे संबंध है? सवाल मैं मानता हूँ आज थोड़े टफ हैं, पर दोस्त यही तो बात है, अगर आसान में कराऊंगा तो फिर आप तो आसानी से आंसर कर दोगे, जब टफ करोगे तब लगेगा कि नहीं यार 10 बजे का शो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं है देखने में, फिर भी मेरे दोस्त मुझे पता है मेरे साथ कुछ ऐसे दो ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं इस शो की वैल्यू। तो भाई लगे रहो, सपोर्ट करते रहो, एंड साथ हम भी नहीं छोड़ेंगे और साथ आप भी ना छोड़िएगा। उत्तर जो इसका दोस्तों है वो है बूस्टिंग रियल एस्टेट सेक्टर अंडर GST रिजीम। दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर पिछले काफ़ी समय से मंदी के दौर पे है, रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी समय से दोस्तों इसका रेगुलेशन या इसका एक केंद्रीकरण नहीं हो पाया था, जिस वजह से यहाँ जो दाम हुआ करते थे रियल एस्टेट के काफ़ी बढ़ गए थे, पर जब से GST आया और जब से सरकार ने रेरा एक्ट पास किया तब से रियल एस्टेट काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गया, पर जिससे नुकसान हुआ कि उस सेक्टर के जो रेट्स हैं वो आपके बढ़ नहीं रहे हैं। तो कैसे हम बूस्ट करें रियल एस्टेट को, उसके लिए इस समिति को बनाया गया है।
लॉटरी पर समान कर दर का अध्ययन करने वाली समिति के प्रमुख कौन है? आसान सवाल है, इसका उत्तर दोस्तों आप सामने जो है वो है सुधीर मुंगंटीवार, ये इस समिति के अध्यक्ष हैं जो लॉटरी पे टैक्स रेट को जो एक सामान्य करने की बात कर रहे हैं। एस के जोशी की अध्यक्षता में किस राज्य ने सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स समिति घोषित की है? इसका उत्तर दोस्तों आपके सामने जो है वो तेलंगाना में ये समिति बनी है। सवाल यहाँ पर मेरे आपसे दो हैं। सवाल पहला आपसे मेरा है कि एमपी जो है उसके अंदर कितने टाइगर हैं, बिकॉज एमपी जो है वो नंबर वन स्टेट है अगर हम बात करें टाइगर्स में। और सवाल दूसरा है कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए मैं देता हूँ आपको 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2 और 1, आगे बढ़ते हैं। इरडाई, जिसका पूर्ण रूप है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने इनमें से किसकी अध्यक्षता में व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं की पहचान करने के लिए एक पैनल की स्थापना की है? इसका उत्तर आपके सामने दोस्तों जो है वो है प्रवीण कुटुंबे, जिन्होंने जो इसके अध्यक्ष हैं, और इन्होंने ही जो सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस है, मतलब ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज जो कि एक इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो NICL हो चाहे वो LIC हो, इनकी पहचान करने के लिए कौन कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों आपके प्रवीण कुटुंबे। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार साहब, मैंने एक अगर गलती हो गई माफ करिएगा, राजीव कुमार चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, अमिताभ कांत क्या है वो बताना है आपको। तो इनके हिसाब से इनमें से किस संबंधित हैं, इनका संबंध दोस्तों है सेलिंग ऑफ 149 फील्ड्स ऑफ ONGC OIL टू प्राइवेट कंपनीज, जो ऑयल नेचुरल गैस कमीशन है और जो ऑयल लिमिटेड है उनके 149 क्षेत्र हैं, उनकी बिक्री के लिए इनको इस समिति को बनाया गया है। NGT ने इनमें से किसकी अध्यक्षता में गंगा नदी के कायाकल्प कार्य की देखरेख के लिए एक समिति गठन किया है? कौन है जो देखेंगे, ओवरसी करेंगे गंगा नदी का रिजुवनेशन, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? उत्तर है आपका UC ध्यानी। बैंक बोर्ड ब्यूरो बीपी शर्मा कमेटी का संबंध किससे, समझिएगा ध्यान से, मैं आपको एक हिंट दे दूं, पहले आंसर दिखा लेते हैं। आंसर इसका जो है वो है MD फॉर PSU इंश्योरेंस फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर एक दोस्तों जो लोग जानकार हैं जानते होंगे, एक स्कीम थी, एक सरकार का प्लान था, जो मरहूम फॉर्मर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनका ये स्कीम था, वो था इंद्रधनुष। ठीक है, अब इस स्कीम का मकसद था कैसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स का को रेनोवेट करें, कैसे उसको हम बेहतर करें। उनके अंदर ही दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो को बनाया गया था। ठीक है, और इसके जो अभी चेयरमैन बीपी शर्मा और जो पहले भी चेयरमैन थे, उनको जिम्मा था कि जो अपॉइंटमेंट्स है खास तौर पर कैसे उनको हम करें। तो जितने भी पब्लिक इंश्योरेंस फर्म्स हैं या पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए दोस्तों हैं। तो यहाँ अगर मैं आपको सही बताऊँ तो मेरे हिसाब से तो ये MD नहीं, ये इनफैक्ट ये सारे यहाँ सही हैं, तो मैं एक तरफ से करेक्शन कर लेता हूँ, ये सारे ऑप्शन सही हैं यहाँ पर, ये गलती मेरी तरफ से है, सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं। किरीट सोमैया समिति का इनमें से किससे संबंध है? इनका संबंध दोस्तों जो है वो है द फंक्शनिंग ऑफ EPFO एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो है जो भविष्य निधि संस्थान है जो EPF PPF GPF बनाता है, उसकी फंक्शनिंग के लिए ये समिति बनी थी। दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आपका दोस्तों आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं ये शो लगातार करता रहूँगा, बस आपका प्यार मिलता रहे, और कोशिश कीजिएगा कि शो को मिस कभी मत करें, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टॉपिक स्टडी को। और दोस्तों RRB PO मेंस का रिजल्ट, POP का रिजल्ट आ गया है, RRB PO मेंस का हम शोज लेके आ रहे हैं, और साथ ही में अनअकैडमी प्लस पे हमारे बैचेस भी आ रहे हैं RRB PO मेंस के, तो आप यूज़ करिएगा कोड टॉपिक स्टडी फॉर आर बैच ऑन अनअकैडमी प्लस। इनफैक्ट किसी बैच के लिए आप अनअकैडमी प्लस पर टॉपिक स्टडी कोड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय गाइज, टेक केयर, पीस आउट।